ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। पिछले कुछ दिन पहले शिरोमणि अकाली दल पार्टी के नेता विक्रमजीत सिंह मजेठिया की तरफ से एक सीड स्कैम का खुलासा करते हुए जिला गुरदासपुर में हल्का डेरा बाबा नानक में चल रही एक सीड फैक्ट्री पर आरोप लगाए थे कि उस सीड फैक्ट्री की तरफ से धान का ऐसा सीड PR 128-129 बेचा गया है जो आधिकारिक तौर पर बिक नहीं सकता। विक्रमजीत सिंह मजेठिया ने कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए थे और इस स्कैम निष्पक्ष जांच के लिए कहा था। इस खबर को प्राइम न्यूज 24 ने भी प्रमुखता से उठाया था। आज पूरे पंजाब में शिरोमणि अकाली दल जिले के डिप्टी कमिश्नरों को मांग पत्र देकर इस स्कैम की जांच के लिए कह रही है। इसके चलते आज गुरदासपुर में भी शिरोमणि अकाली दल जिला प्रधान गुरबचन सिंह बब्बेहाली की अगुवाई में डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर मोहम्मद इशफाक को मांग पत्र दिया गया। इस मौके पर उनके साथ लखबीर सिंह लोधीनंगल, विधायक बटाला रविकारण सिंह कहलो समेत समूची लीडरशिप वहां पहुंची। इस मौके पर जिला अध्यक्ष गुरबचन सिंह बब्बेहाली और माझा यौन युद्ध अकाली दल के बटाला से विधायक लखबीर सिंह लोधीनंगल ने बताया कि सीड स्कैम को लेकर श्रोमणि अकाली दल ने किसानों की आवाज़ को बुलंद किया है। कांग्रेस के मंत्रियों ने किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इस स्कैम की जाँच को लेकर पूरे पंजाब में शिरोमणि अकाली दल जिले के डिप्टी कमिश्नरों को मांग पत्र देकर इस स्कैम की जाँच की मांग की है और कहा कि जब तक सुखजिंदर सिंह रंधावा मंत्री हैं इस स्कैम की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। इसलिए मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को मंत्री पद से बर्खास्त करें और इस स्कैम में शामिल सभी लोगों पर मामला दर्ज करें और उनको जेल में बंद किया जाए, क्योंकि ये स्कैम किसानी से जुड़ा है और किसान पहले से ही काफ़ी परेशान है। कृषि में लगातार घाटे के कारण किसान खुदकुशी करता दिखाई दे रहा है और ऐसे स्कैम किसान को और कृषि को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और अगर देश का अन्नदाता ख़त्म हो गया तो देश भी नहीं बच पाएगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। 20,000 रुपये एक क्विंटल बन जाता। वो कह रहे हैं कि वैरो के जरा डेरा बाबा नानक हल्के दे तो लकी ढिलो को बीज खरीदा, सुरजिंदर सिंह की सजी बाह है ते वो जरा उन्हें बीज खरीदया, इंक्वायरी होनी चाहिए है उन्हें कितने बीजे है कितों आया। हूँ वाला जी चिंता का विषय यह आ कि जो बीज रला के डुप्लीकेट बीजा गया किसान ने प्रतिनिधि बीज लिया, उन्होंने अनाज किसी ने कल लेना नहीं, वह घाटे का जिम्मेवार कौन होएगा। दूजी गल है भी जे बराड़ के बंद बराड़ जी उन्होंने लाया स्टोर बनाया उत्ते परचा हो गया, तो जितों खरीदया गया वैरो के वाले को लगी उत्ते कोई परचा नहीं, जो धारा लगनिया चाहिए परचे जो भी कोई नहीं लगियां। एक मंग पत्र दे के आए हैं कि जरा सख्ती यदि कार्रवाई होनी चाहिए आ, और सुरजिंदर रंधावे का भी यह परचा होना चाहिए कि वो को इस्तीफे की मंग भी अं करके आए कि मुख्यमंत्री साहब ने चाहिए है कि जो इतने गंभीर दोष उत्ते लागे जेरा बाबा नानक हल्के का बंदा उत्ते परचा नहीं कर रहा, वह रिजाइन लेना चाहिए मुख्यमंत्री साहब इंक्वायरी जो होएगी उस तो बाद जो ठीक होएगा तो दोबारा उन्होंने अपनी कैबिनेट ला देना, क्योंकि जो मंत्री सरकार के वो जी इंक्वायरी जी सही नहीं होनी। तो ये सरकार जो कर रही है लोगों का चूमर कट रही है क्या नकली शराब दी फैक्ट्री उधर फड़ी गई खनिया 5600 करोड़ रुपये का घाटा कोई कार्रवाई नहीं। आ रेत की गल आ 26 करोड़ रुपये के भी आए, 4 करोड़ ठेकेदार को कहता तुम दे दो। तो इस करके जोड़ा अनाज आया साडा जो पैसा आया सेंटर चो वो भी पंजाब सरकार ने नहीं सही तरीके वन दिया। लोग कह रहे कि अनाज घट मिल रहा, जे कि 6 जी ने तो अनाज जरा उन्होंने 2 जी का मिल रहा। ये सारिया गल् असं ये मंग पत्र जो दे के आए हैं जी साहब ने भी मुख्यमंत्री साहब ने यह गल कहो कि साड़ी ये डिमांड है पार्टी वालों प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल का सानू अजय देसी अं सारी लीडरशिप जी है ये उन्होंने इतने मंग पत्र दे के आए कि कार्रवाई की जे 35 साल बाद सिट बना के बीबा हरसिमरत कौर ने फिर गल चुकी साढ़े अकाली दल के लीडर ने गल चुकी तो सिट बना के सज्जन कुमार उन्होंने अंदर दिता कि नहीं दिता। यह रिकॉर्ड से गल आती है सरकार बन जानी है, लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने बनना फिर सिट बनावे फिर सुरजिंदर सिंह रंधावे से भी कार्रवाई करा जे होर बंद होते भी कार्रवाई करा सूँ पता है
ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗੱਡੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੱਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਲੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮਾ ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨਾਲ ਬੀਜ ਸਟੋਰ, ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਡੇਰੇ ਬੱਬੇ ਨਾਨਕ ਡਿਆ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਨੀਰੀ ਐਸੀ ਬੀਜ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਗਾਹ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਾਹ ਲੱਗਣੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੱਬੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੀਜ ਵੇਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣੀ ਆ ਉਹ ਗਾਹ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਮਜੀਠਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਆ ਇਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿ ਨਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਬੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਹਰ ਬੰਨੇ ਲੋਟੀ ਲੋਟਿਆ ਲੋਟੀ ਲੋਟਿਆ।